हर वो कार्य में हमें सम्मिलित होने का कर्तव्य हम सबका बनता है मेरे मित्रों। साथ ही साथ जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वहां अत्याचार रुके उस प्रकार से भी भारत देश के हर कोने में आज आवाज उठ रही है। एक समय था 1971 में पाकिस्तान के अत्याचार से बांग्लादेश को अलग करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो हमारे भारत देश का है मेरे मित्रों। वो समय पर पाकिस्तान की 90,000 सेना का सर झुकाने वाली हमारे भारत देश की सेना थी मेरे मित्रों। लेकिन आज जिस प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है बांग्लादेश में, कुछ लोग कहते हैं कि उस प्रकार का भारत में भी होगा, तो जो लोग कहते हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि जब तक मोदी है, एक चट्टान की तरह बनकर मोदी जी खड़े हुए हैं भारत देश की रक्षा के लिए, और जब तक मोदी जी है हमारे भारत देश का कोई बाल बांका नहीं उखाड़ सकता मेरे मित्रों। चाहे वो देश के बाहर का दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो देश के अंदर का दुश्मन क्यों ना हो, क्योंकि भारत देश में हर वो व्यक्ति रहने वाला हमारा भारत देश सुरक्षित रहे। और आज इस 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार से हर गली, हर शहर, हर बस्ती में झंडा वंदन बड़ी धूमधाम से हो रहा है, इसका एक परिणाम है। मेरे सभी नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन में शक्ति है, ये नारा तो आप लोगों ने सुना होगा, बन संगठन बनाए रखे। और हमारे पुलिस भाई जो वीडियो निकाल रहा है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि ये पुलिस के अधिकारियों को आप वीडियो भेजे। पुलिस के अधिकारियों को मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत देश को आजादी मिली तो यही तिरंगे के नाम पर मिली, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे पर मिली। वो समय पर भी अंग्रेजों का राज था, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने पर जेलों में डाला जाता था, फांसी पर चढ़ाया जाता था। वो समय पर भी भारत देश का हर वो नौजवान नहीं रुका, नहीं थका। वो समय पर भी भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, ऐसे अनेकों क्रांतिकारियों ने भारत देश का झंडा पकड़ के भारत माता की जय का नारा लेकर अपने प्राण बार, अपने प्राण निछावर कर दे देश को आजाद कराने के लिए। वो समय पर वो नहीं रुके, ये समय पर हम भी नहीं रुकने वाले। चाहे पुलिस के अधिकारी नोटिस दे, चाहे पुलिस के अधिकारी एफआईआर करे, चाहे पुलिस के अधिकारी हमें जेल में डाले, एक बात ध्यान रखना, अगर तुम एफआईआर करोगे, जैसे पिछली बार हम लोगों पे तुम लोगों ने केस बुक किया था, तो तेलंगाना का नाम पूरा खराब हुआ था, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम पूरा खराब हुआ था। क्यों? क्योंकि तेलंगाना में गोशामे की